बांदा में सूने घर के अहाते में संदिग्ध हालत में युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतरवाया। युवक के गले और चेहरे में कई जगह गंभीर चोटों के निशान हैं। परिजनों ने हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की छानबीन की और आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? रवीश कुमार पटेल। मृतक कौन थे आपके? चाचा का लड़का। क्या नाम था? मनीष। मनीष कहाँ के रहने वाले थे? कठपुरवा। क्या घटना हुई, कैसे खत्म हुई? उसको मार के फांसी में टांग दिया गया। कब की घटना थी ये? परसों के दिन की घटना है। कहाँ थे, किस जगह पर आपको बॉडी बरामद हुई? बॉडी वो बड़े बाईपास के पास एक हाथा है, हाथी में के अंदर। क्या बांदा में रहते थे? ये बांदा में रहते थे। क्या करते थे? वो मनीष ठेकेदार है, उसी के अंडर में काम करता था। अच्छा, ठेकेदार के अंडर में काम करते थे। काम क्या करते थे? यही वो मेटगिरी वाला काम होता है। कब से यहाँ बांदा में काम कर रहे हैं? ये करीब 3-4 महीने से। फतपुरवा का थाना क्या लगता है? जमालपुर देहात। घटना की जानकारी आपको किसने दी? घटना की जानकारी हमें दूसरे लोगों ने दी। फिर जब आप आए क्या देखा आपने? वहाँ पे मतलब फाटक बंद था, जब पुलिस आई हम अंदर गए तो उसमें फांसी में लटका शरीर में उसके कई निशान चोट के भी हैं। आज जनपद बांदा थाना कोतवाली देहात के ग्राम हतपुरवा का 34 वर्षीय मनीष नाम का युवक एक प्लाट में कोने में एक कमरा बना हुआ था टीन सेट का, तो उसमें उसकी डेड बॉडी लटकी हुई पाई गई। सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे हैं। शव को कब्जे में लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी परिजनों की तरफ से कोई भी तहरीर प्राप्त होगी, उसके आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।